माय डियर फ्रेंड, आप मैं कैंडिडेट आप तो देख ही रहोगे सारे रोजगार सारे यूट्यूब चैनल में जितने मैं भेज रहा हूँ। अर्जेंट मुझे वीडियो अपलोड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि RSPL से एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है रेड चीप से ई कॉमर्स मैनेजर की, जिसमें पैकेज मैक्सिमम 30 तक हो सकता है। इसके लिए सैटरडे को इंटरव्यू स्केड्यूल किए गए हैं। चूँकि परमिशन मिल गई है, सैटरडे को हम कैंडिडेट को भेज सकते हैं। तो जो ई कॉमर्स मैनेजर प्रोफाइल पे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट अपने रिज्यूमे शेयर कर दें और सैटरडे के लिए जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। टाइम किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये सारी डिटेल आपको दे दी जाएंगी। तो रेड चीप में ई कॉमर्स मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है अपने से रिलेटेड, और आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको ये चीज़ जरूर बता दीजिए। एक दूसरी रिक्वायरमेंट है इब्राहिम इंटरनेशनल में, जिसमें पैकेजिंग सुपरवाइजर और ERP और SAP में जिन्होंने काम किया हो, जो मैनेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जिनके पास में हो और उन्नाव के आसपास में बंथर में जाने में इंटरेस्टेड हो, उसमें वो इमीडिएटली, आज इंटरव्यू कुछ हुए हैं उनमें से कल, चूंकि 2 अक्टूबर है, अभी कन्फर्मेशन नहीं मिला है कि ऑफिस में वो लेंगे कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, सैटरडे को श्योर हो सकता है ये इंटरव्यू। तो इसलिए जो इंटरेस्टेड हैं वो एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लें, पता कर लें कि कब उनको जाना है। अभी कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में की रिक्वायरमेंट को लेकर के आज भी वहाँ से HR का फ़ोन आया था कि सैटरडे और मंडे को वो कैंडिडेट लाइनअप किए जा सकते हैं जिनको मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है। मैकेनिकल में ख़ासतौर से फ्लीट मेंटेनेंस या टेलर का जो रिक्वायरमेंट रहती है, उनसे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में जो परचेज करना है, परचेजिंग भी जानते हो, उनको आइडिया भी हो इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है, तो उनके लिए ये बहुत फेवरेबल हो सकता है। प्लस उनको MIS की नॉलेज भी हो, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए प्रोफाइल है। ये पैकेज मिनिमम 20 से जाकर के मैक्सिमम 45 तक जा सकता है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एक बार अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी के लिए मैं बात बता चुका हूँ कि RVP स्वरूप में क्वालिटी के लिए अभी भी रिक्वायरमेंट पेंडिंग है। एक इंटरव्यू अभी हमारे यहाँ से कैंडिडेट से हुआ है, उसका फाइनलाइजेशन है, बट अभी उसके साथ भी और उन्होंने कैंडिडेट के लिए मांगा हुआ है। सिग्मा स्लॉटिंग में प्लांट हेड के लिए 30 से 50 का भी एक भी इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। इवन PA के लिए, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो और जो बहुत क्विक रिप्लाई दे सके, क्विक इमीडिएट मैनेज कर सके, सारी सेल्स लीड और टीम को पूरा मैनेज कर सके, एक PA जो है उसके लिए मेल मेंबर में अभी भी रिक्वायरमेंट चल रही है। वा इंडिया मसाला में प्लांट हेड के लिए बात हो चुकी है, रिज्यूम शेयर किए गए हैं। जो लोग चाहते हैं वो अपने रिज्यूम इसमें जरूर एक बार भेज सकते हैं। स्पेशली मैं फिर से रिमाइंड करूंगा, ई कॉमर्स मैनेजर की प्रोफाइल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रिज्यूम शेयर करिए, अच्छा रहेगा। CA जो है 50 से 70 के बीच में, जिनके भी रेफरेंस में जो CA हैं जिनको अर्जेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उसी दिन फाइनल किया जा सकता है। पॉलीमर परचेज में इमीडिएट फाइनल किया जा सकता है, BK पैकबल में वो एक बार दोबारा से जो चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए स्पेशली ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है रेड चीप में ई कॉमर्स मैनेजर के लिए। थैंक यू फॉर, और लोग भेजते रहिए, देखते रहिए, प्रोफाइल को पढ़ते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जितने लोगों को आप ज़्यादा बताएंगे, शायद ब्लेसिंग का अकाउंट आपका भी खट्टा होगा, क्योंकि आज जब आप ये जॉब के बारे में 10 लोगों को बताते हैं तो आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, बस एक्टिव आपको रहना है, फॉलोअप आपको करने हैं, पोर्टल को देखते रहना है, वीडियोस को देखते रहना है, कुछ हम लोगों से मिसिंग हो रही फ़ोन करते रहिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं आज करंट इंटरनेशनल में, एक नई ज्वाइनिंग फर्स्ट डे में हो गई ज्वाइनिंग, तो ये वाकई में पॉजिटिव चीज़ें हैं और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही हैं जिसमें हमें हेल्पर दादानगर में चाहिए, 8000 में कई प्यून चाहिए, कई कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस वाले कैंडिडेट चाहिए, ड्राइवर चाहिए। इसमें जो अभी आपके पास रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप लोग अर्जेंट चाहते हो, जो भी जिनको आप जानते हो, चूँकि हमारे पास में एजुकेटेड लोगों का तो डेटाबेस है बट प्यून या इन लोगों का डेटाबेस नहीं है, बट इनको भी हमें कहीं ना कहीं कंपनी को जब सब कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं या मे बी उनके लिए करें, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। जो भी आपके रेफरेंसेज में हो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, आधार कार्ड के साथ में आ जाएँ, ये उसमें हम उनको इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए कर सकते हैं। एक MIS की रिक्वायरमेंट फीमेल और मेल के लिए है ट्रांसपोर्ट नगर में, अगर कोई चाहता है तो उसके लिए, जिसको वी लुकअप आता हो एक्सेल में, उसकी इमीडिएट ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए।